हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहां मंदिर थे वहां आजकल वो बन गई चर्च बन गई। हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहां मंदिर थे वहां आजकल वो बन गई चर्च बन गई। हिंदुओं के हाथ में बाइबल पकड़ाई जाती है तब कोई सनातनी कहने खड़ा नहीं होता कि जी देखो धर्म परिवर्तन हो गया, चलो उस पर केस करें। कि आज विधर्मी लोग हमारे गांव में आकर हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जहां मंदिर थे वहां आजकल वो बन गई चर्च बन गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, हमारे पूजनीय चाचा अनिरुद्ध बाबा को शरीर में खुजली हो रहा है कि ईसाई लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है, जबकि यीशु मसीह कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जीसस क्राइस्ट जो है वो कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। अनिरुद्ध बाबा जी ध्यान सुनिए, अनिरुद्ध बाबा जी मैं आपको ही इस बात को बता रहा हूं, बाइबल में कहीं भी शब्द ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी का धर्म परिवर्तन हो। यहां तक लिखा हुआ है सिर्फ हृदय परिवर्तन, अपने बुरे विचारों से, अपने बुरे सोच से, अपनी बुरे आदतों से हृदय परिवर्तन। और ईसाई लोग यानी जीसस को मानने वाला, फॉलो करने वाला लोग, सिर्फ मानने वाला लोग, फॉलो करने वाला लोग, ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाला लोग नहीं, फॉलो करने वाला लोग, ईसाई के वचनों पर चलने वाला लोग इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे जीवन को बदला है, यीशु मसीह जो है हमारे हृदय को बदला है, यीशु मसीह हमारे जो है हृदय परिवर्तन किया है। यीशु मसीह सिर्फ हृदय परिवर्तन करते हैं, ना कि धर्म परिवर्तन। और बार बार जो इस बात को बता रहे हैं अनिरुद्ध बाबा जी, हमारे बिहार के मनीष कश्यप भी वहाँ पर खड़े हैं, हमारे बिहार के ही हैं, और वो भी वहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनको खुद पत्रकारिता इतना अच्छा करते हुए राजनीति में घुस गए। अरे भैया मनीष कश्यप भैया, अच्छा से पत्रकारिता करो, काम करो, राजनीतिक में ना घूमो और ये सब चक्कर में ना पड़ो, अच्छा से काम करो, देश को आगे बढ़ाने का काम करो, देश को ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम करो। लेकिन ये लोग जो है मेरे मसीह भाई बहनों, यही सब जो है जो हमारे समाज में बदनामी लेकर आते हैं, यही सब जो है हमारे समाज में सभी धर्म जाति के बीच में फूट डालने का काम करते हैं। जबकि ईसा मसीह हमें सिखाया है कि आपस में प्रेम करना सीखो, यीशु मसीह सिखाया है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताए उसके लिए दुआ करो, खुदा से दुआ करो, इस ये दुआ ना तो श्राप की दुआ नहीं, आशीष की दुआ करो कि परमेश्वर उसकी बुद्धि और ज्ञान दे। अनिरुद्ध बाबा जी को कौन समझाए, वो तो एप्पल खाया और एप्पल कंपनी बन गया, साइड से एप्पल खाया और एप्पल कंपनी बन गया। जी हाँ मेरे मसीह भाई, हमारा जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऐसे अनिरुद्ध बाबाओं के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि इसको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ समृद्धि बल दे कि अच्छे एक प्रीचर बनना पाए, अच्छी शिक्षाएं देना पाए और देश को, हमारे भारत ऐसे देश को आगे बढ़ने का योगदान उसको बुद्धि ज्ञान दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।